हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो एंड मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों अपने सामने निसान मैगनाइट एंड ये है दोस्तों इसका बेस वेरिएंट एक्सी। तो थोड़ी सी बात करते हैं निसान मैगनाइट के बारे में। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जो आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफर करती है। एंड अगर इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें बेस मॉडल की, तो स्टार्ट होती है आपकी 6 लाख से, आपका टॉप मॉडल जाता है 11.27 लाख तक, जो कि इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों बताना चाहूँगा ये कार आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं बेस मॉडल से। तो पहले अगर दोस्तों एक्सी यानी बेस मॉडल की एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 5.99 लाख रुपीज़ एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स आपको 6.80 लाख रुपये की कार देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसमें आपको तमाम अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको हाई रेंज कार में देखने को मिलता है, जैसे आपका हिल असिस्ट हो गया, TPM मीटर बेस मॉडल से आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें दोस्तों आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने के लिए भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कार के बारे में जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं एक प्राइस पॉइंट पे यानी 6,80,000 रुपये देने के बाद। सो दोस्तों अगर लुक्स की बात करें, नो डाउट आपको बहुत ही बेहतरीन लुक्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको 1758 mm के साथ चौड़ाई एंड यहाँ देखिए लाइट सेटअप आपको दोस्तों मिल जाता है हैलोजन बल्ब के साथ। रिफ्लेक्टर बेस्ड टर्न इंडिकेटर आपको वो भी मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ, यानी कोई भी आपको DRLs वगैरह ऑफर नहीं करती। यहाँ पर आपको क्रोम का स्ट्रिप देखने को मिलता है। टॉप मॉडल में दोस्तों यही आपको LED DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए फ्रंट से देखिए तो काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही प्यारा आपको बोल्ड लुक देखने को मिलता है। ग्रिल की बात करें तो आपको दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है एंड सराउंडिंग आपको क्रोम ट्रीटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको बड़ा सा निशान का लोगो देखने के लिए मिलता है। नंबर प्लेट की आपको डेडिकेटेड पोजीशन है कुछ इस टाइप से। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 205 mm का दोस्तों, यानी अच्छा खासा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बड़ी बड़ी SUVs में देखने के लिए मिलता है। एंड ये आपकी आती है दोस्तों कॉम्पैक्ट SUV में। सो कुछ फीचर दोस्तों आपको बेस मॉडल के हिसाब से भी मिलते हैं, जैसे इसमें आपको नॉर्मल से वाइपर देते हैं एंड इसमें आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर कंपनी ऑफर नहीं करती बेस मॉडल में। सो कुछ इस टाइप के भी आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड लेंथ की बात करें तो आपको 3994 mm की इस कार की लेंथ देखने को मिलती है, जो कि आपकी सब कॉम्पैक्ट SUV में आती है। एंड लुक्स की बात करें तो डेफिनेट है कि कोई भी आपको लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। चलिए टायर साइज़ की बात करते हैं तो आपको बेस मॉडल में 16 इंचेस का टायर कंपनी ऑफर करती है एंड स्टील व्हील रिम के साथ व्हील कैप्स आपको देखने को नहीं मिलता है। टायर साइज़ की प्रोफाइल की बात करें तो आपको 195/60R16 का टायर साइज़ देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्प्ले कंपनी ऑफर करती है, ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स आप दोस्तों पूरी कार में कंटिन्यू देखने को मिलता है। साइड फेंडर पे आते हैं तो आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है एंड वहीं देखिए आपको निसान मैगनाइट यानी इसकी बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है देखने में। बाकी साइड मिरर की बात कर लें तो आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है, यानी बॉडी कलर नहीं है, ना ही आपको ऑटो फोल्डेबल एंड ना ही आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, अंदर आप स्टिक के थ्रू से एडजस्ट भी कर सकते हैं। रूफ़ की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखिए रूफ रेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है एंड ये आपकी वर्किंग रूफ रेल्स हैं। कोई भी आपको सनरूफ का ऑप्शन इस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। सो कुछ इस टाइप से मिलती है इसकी साइड प्रोफाइल। लुक्स में कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी। 2500 का इसमें आपको व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। एंड रियर में बात करें जो उसका टायर है उसमें आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। सो अभी आप देख रहे हैं इसकी साइड प्लस बैक प्रोफाइल निसान मैगनाइट की। दोस्तों अगर रियर की बात करें प्रोफाइल में तो आपको किसी भी टाइप की कमी देखने को नहीं मिलती। देखिए निसान का आपको लोगो देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है मैग्नाइट की बैजिंग। साथ ही बात करें आपको इस बेस वेरिएंट में तो यहाँ पर आपको देखिए वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। एंड स्पॉइलर की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी बड़े शेप का देखने के लिए मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरियंट में। एंड बताना चाहूँगा दोस्तों जो आपको इस बेस वेरियंट में टेल लैम्प यूनिट मिलती है वो आपको मिलती है LED में। सो यानी इसमें हैलोजन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही और बात करते हैं तो आपको 4 पार्किंग सेंसर बेस वेरिएंट से ही कंपनी ऑफर करती है। लोअर बम्पर आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में, प्लस 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ आपको देखिए कोई भी कैमरा वगैरह की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड बूट की बात करें तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको रिको सेंसर दिया गया है, कुछ इस टाइप से ओपन होता है। आपको हैलोजन बल्ब के साथ लाइट्स दी गई हैं, ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलता है। साथ में ही बात करते हैं हम तो देखिए इस बेस यूनिट में आपको पार्सल ट्रे तो कंपनी ऑफर नहीं करती, बट आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं छोटी मोटी एसेसरीज। एंड स्पेस की बात करें बूट स्पेस की तो आपको 336 लीटर का इसमें आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है इस सब SUV में, यानी सब कॉम्पैक्ट SUV में। चलिए स्टेपनी व्हील की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए रेड कलर में देखने को मिलता है एंड टायर साइज मिलता है दोस्तों आपको 165/80R14 का, जो कि आपका नॉर्मल टायर साइज है। कुछ इस टाइप से आपको इसमें बैक प्रोफाइल प्लस बूट स्पेस वगैरह देखने को मिलता है। चलिए करते हैं इसको भी बंद। ड्राइवर साइड डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है एंड बेस मॉडल में अच्छा हो मैट ब्लैक में नहीं है। ये है इसका डोर ट्रिम, ड्यूअल टोन का आपको देखने को मिलता है।
चलिए आप बात करते हैं, आपको पूरा फैब्रिक टच के साथ देखने को मिलता है सिल्वर कलर में, एंड ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने के लिए मिल जाता है। डोर ओपनर आपको मिलते हैं मैट ब्लैक, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं बेस मॉडल में, काफ़ी अच्छी बात है। नीचे एंड ये आपको बोतल स्पेस वगैरह, स्पीकर वगैरह आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता स्पेस मॉडल में। बाकी मिरर को सेट करना है तो आप मैन्युअली कर सकते हैं। सीट की बात करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको सीट्स मिल जाती है इस प्राइस रेंज में, एंड ड्यूअल टोन की आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, कुछ इस टाइप से पैटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी हम अगर बात करें तो जो आपको फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड हेडरेस्ट है उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, एंड डैशबोर्ड का लेआउट आपके सामने है। सो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इस कार का इंटीरियर जो कि आपको ब्लैक एंड ट्रॉली ब्लैक मिलता है। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो आपको ड्यूअल टोन का देखने को मिलता है, ये आपको अगर दोस्तों बेज कलर ऊपर आपको ब्लैक कलर यानी ड्यूअल टोन में आपको इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सो पहले बात करें हमें स्टीयरिंग व्हील की, तो आपको देखिए राउंड शेप मिलता है एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा, बीच में आपको निशान का लोगो देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, ये आपका रहेगा 3 स्पोक। एंड एडजस्टमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल सिर्फ आपको टिल्टी देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। लाइट्स आपको मिलती है नॉर्मल, एंड वाइपर की बात करें वो भी आपको नॉर्मल। बाकी यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलता है, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर मीटर इधर मिलता है, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है 4 इंच, इसमें आपको स्पीडोमीटर रेंज वगैरह सब कुछ आपको शो कर देगा। कुछ इस टाइप से दोस्तों इसमें आपको पूरा कंप्लीट लेआउट मिलता है। बाकी मिरर को आपको एडजस्ट करने तो यहाँ से आप इस स्टिक के थ्रू एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको इस बेस वेरियंट में देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस हेडलाइट लैंप यूनिटी कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं सेंटर में, आप जैसे ही आगे तो देखिए आपको कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ना ही 2D ना ही टच स्क्रीन, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बेस वेरिएंट में। बाकी आपको हजार्ड का बटन यहाँ देखने को मिलता है, बूट ओपन करने के लिए ऐसा आपको बटन दिया गया है। बाकी इस वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअल AC, थोड़ा सा स्पेस नीचे भी आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। यह रहेगा दोस्तों आपको गियर नॉब जो कि आपका 5 स्पीड है, एंड मैनुअल हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं, 2 कप ग्लास होल्डर प्लस थोड़ा सा स्पेस। सीट की कुशनिंग एंड क्वालिटी बहुत ही शानदार आपको देखने को, देखिए साइड सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है ना। एंड रियर व्यू मिरर की बात करें तो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। कैबिन लैंप पे बात करें तो और लाइट्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ, वैनिटी मिरर नहीं है, इधर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, एंड सॉफ्ट क्लोजिंग आपको ग्रैब हैंडल्स भी कंपनी ऑफर करती है। सो ओवरऑल दोस्तों आपको कैसा लग रहा है इसका इंटीरियर एंड डैशबोर्ड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रियर साइड डोर पैनल की बात करें या डोर हैंडल्स की, तो आपको देखिए बॉडी कलर देखने को मिलता है, एंड ओपन करते हैं तो सेम आपको जो दोस्तों डोर ट्रिम मिलेगा वो आपको ड्यूअल टोन में फैब्रिक टच के साथ देखने को मिलता है, एंड ये पूरा आपका फैब्रिक टच है। प्लस बात करें बेस मॉडल में आपको पावर विंडो कंट्रोल्स कंपनी ऑफर करती है, डोर ओपनर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है, बोतल स्पेस वगैरह, एंड इधर देखिए आपको चाइल्ड लॉक भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये दोस्तों इस कार का इंटीरियर जो तो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड कुछ सबसे मिलता है, एंड सीट को मैंने पीछे की तरफ टिल्ट करके रखा है। उसके बाद भी दोस्तों आप देख सकते हैं आपको नीरूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी थाई सपोर्ट इस मैग्नेट का वैसे ही अच्छा आपको देखने को मिलता है, पीछे आपको कोई भी AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कैबिन लाइट्स की बात करें तो आपको देखिए हैलोजन बल्ब के साथ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, एंड ग्रैब हैंडल्स आपको सॉफ्ट क्लोजिंग जरूर मिलते हैं। सीट्स की और बात कर लेते हैं तो आपको इस वेरिएंट में बेंच टाइप की सीट देखने को मिलती है, 60-40 में स्पीड आपको नहीं मिलेगी, हेडरेस्ट है जिन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट देखने को मिलती है, एंड आइसोफिक्स इसमें आपको सीट्स देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड 3 लोग तो आराम से दोस्तों इस कार में बैठ सकते हैं। और पीछे बात कर लें तो देखिए आपको पार्सल ट्रे कंपनी ऑफर नहीं करती है। ओवरऑल ऊपर और बात कर लेते हैं तो देखिए रीडिंग लैंप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एंड कुछ इस टाइप से मिलता है आपको इसका डैशबोर्ड का लेआउट। सो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस निसान मैग्नाइट के इंजन के बारे में। सो इसमें आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एंड जो कि दोस्तों आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP एंड 96 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी एवरेज आपको करीब 19 से 20 देखने के लिए मिल जाता है, एंड लुक्स में आपको दोस्तों कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है इस कार से रिलेटेड। सो दोस्तों यह था आपका कंप्लीट वॉक राउंड ऑफ ऑल न्यू 2024 निसान मैग्नाइट, जो कि आपके लिए एक बेस्ट वेरियंट साबित हो सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।